एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेज नंबर 41 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को बचाना है, संभालना है, आ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरमेंट को बचाया जाए, एनवायरमेंट को संभाला जाए। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज़ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। देखो, जब से इंसान का जन्म हुआ है, जब से इंसान आया है, तब से इंसान का और एनवायरमेंट का आपस में इंटर रिलेशन है, आपस में रिलेशनशिप है। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के बनने के काफ़ी बाद ह्यूमन अर्थ पे आया है। ऑन द अर्थ ह्यूमन बींग प्रूव्ड इट्स सुपियोरिटी एज कम्पेयर टू अदर एनिमल विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर लाइक इंटेलिजेंसी, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी एक्सेट्रा। इंसान बहुत लेट आया है, लेकिन मतलब बहुत दिन अर्थ बनने के बहुत बाद आया है, लेकिन इंसान ने अपनी सुपियोरिटी प्रूव कर दी, मतलब अपने आप को साबित किया है कि वो सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है, सबसे टॉप लेवल का माइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इंसान ने प्रूव किया कि वो सबसे टॉप लेवल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कैसे? अपनी कैरेक्टर से। कौन से कैरेक्टर है इंसान में? इंटेलिजेंसी, होशियारी, मेमोरी, याददाश्त, इमेजिनरी, कल्पना करना, इमेजिनरी एबिलिटी, कल्पना करने की क्षमता एक्सेट्रा, ठीक है। इंसान ने अपने आप को सुपीरियर मतलब सबसे बेटर, टॉप लेवल का, ठीक है, साबित किया है दूसरे जानवरों से, अपने आप को, इंसान ने अपने आप को दूसरे जानवरों से ज़्यादा सुपीरियर यानी ज़्यादा अच्छा जानवर, इंसान जो टॉप लेवल का, अपने आप को दूसरे जानवरों से अपने आप को सबसे बेटर उसने प्रूव कर दिया, क्योंकि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे होशियारी, याददाश्त और कल्पना करने की क्षमता एक्सेट्रा। ह्यूमन एस्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर, और इंसान ने हुकूमत की, डोमिनेशन, हुकूमत कर ली नेचर पे, कुदरत पे। ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एच मच एज पॉसिबल, और फिर इंसानों ने जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इन एन अटेम्प्ट टू लीव अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ ह्यूमन कैप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को सेटिस्फैक्ट्री, अपनी ज़िंदगी को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फाई मतलब अपनी अपनी बोलते हैं ना, अपना सब कुछ सही करने के लिए, या फिर अपनी भूख मिटाने के लिए, सिंपल में अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा छीनने लगा नेचर से, ठीक है, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से वो छीनने लगा, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अपनी लालच, अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए, लालच, ठीक है, अपनी लालच पूरी करने के लिए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से छीनने लगा, स्नैचिंग मतलब छीनना, ठीक है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फ्रॉम दिस एंटायर सिनारो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज़ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। ये पूरे सीन से, मतलब ये पूरा जो आपने देखा कि अर्थ पे इंसान कब आए, कैसे आए, मतलब इंसानों का जो अर्थ पे आना हुआ और फिर दूसरे एनिमल से सुपीरियर बनना और फिर ज़्यादातर नेचर से छीनना, ठीक है, ये सब से क्या समझ में आता है कि एनवायरनमेंट का बैलेंस किसने बिगाड़ा है? ह्यूमन बीइंग ने, ठीक है, एनवायरमेंटल बैलेंस ह्यूमन बीइंग ने बिगाड़ा है। एंड देन ह्यूमन इट्सेल्फ ओनली कैन कंजर्व एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर, और इंसान ही उसको बचा सकता है और सुधार सकता है, क्या, नेचर की क्वालिटी को, कुदरत को, ठीक है, मतलब नेचर को, वातावरण को इंसान ही सुधार सकता है, उसकी क्वालिटी को और बचा सकता है, ठीक है, बचा सकता है और सुधार सकता है। मैनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज़ अननोन दैट इट्स एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट एंड देन बाय एंड देयर बाय अनलोइंगली मैनी एक्टिविटीज़ हैपन।
कभी कभार जनरल पब्लिक जो जनरल लोग है ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी एक्टिविटी हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। लोगों को पता ही नहीं चलता बहुत बार कि वो जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है ठीक है, और बिना सोचे समझे जाने वो ये गलती करते हैं ठीक है, मतलब जानबूझकर नहीं बल्कि उनको पता ही नहीं। ऑल राइट, देखो फॉर एग्जाम्पल फायर जला रहा है कोई कोई आदमी, जैसे हमारे लोकेलिटी में लोग क्या करते हैं, कचरा जमा करते हैं, मतलब जो ट्रीज का जो लीव्स वगैरह रहता है ड्राई लीव्स, उसको फिर बर्न कर देते हैं। तो उनको वो सोचते हैं बर्न करने से कचरा ख़त्म हो गया, लेकिन उनको ये समझता नहीं है कि पल्यूशन क्रिएट हो रहा है ठीक है। अब उनको समझाने जाओ तो झगड़े पे आ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम ही कर लो, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि इंस्टेड ऑफ बर्निंग दोस लीव, अगर आप उसको कचरे के डब्बे में डंप कर दो तो वो डंपिंग एरिया में जाकर फर्टिलाइजर बन सकता है, और उसको आप बर्न करोगे तो वो एटमॉस्फेयर ख़राब करेगा ठीक है। ऑल राइट, सो डोंट बर्न एनीथिंग, इट्स यूजलेस। कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है तो उसको रिसाइकल करो या फिर रीयूज करो या फिर मतलब कुछ भी, उसको आप रीयूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो एक्सेट्रा, बट उसको आप बर्न करना सल्यूशन नहीं है। बट बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं बर्न करने से, जैसे दिस इज़ वेरी फेमस, खेती होने के बाद कुछ किसान सोचते हैं कि खेती पूरी जो खेती काटने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको काट के दे कैन रीयूज़, जानवरों के चारे में यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने में, मैन्योर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, खाद बनाने में, लेकिन वो लोग उसको बर्न कर देते हैं ठीक है, हरियाणा साइड पे एक्सेट्रा, और वो बर्न करके दे, वो सोचते हैं कि फर्टिलाइज़र बढ़ेगा, बट उसमें सिर्फ पोटेशियम बढ़ता है, पोटैश बढ़ता है ठीक है, पोटेशियम नहीं सॉरी पोटैश। ऑल राइट, बट इट्स अ वेस्टेज। ऑल राइट, तो डोंट बर्न। तो यहाँ पे वही लिखा है क्या कि ह्यूमन बींग कभी कभी बिना जाने बिना समझे ठीक है, जो जनरल पब्लिक है बिना जाने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा देते हैं ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं कि वो ऐसी गलती कर रहे हैं। तो इनको इनका इसका सल्यूशन क्या है, अवेयरनेस। इसका सल्यूशन है एडुकेशन, लिटरेसी, अवेयरनेस ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू बटरफ्लाई कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल बैलेंस। बटरफ्लाई का एनवायरमेंटल बैलेंस को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है, तो दिस इज़ फॉर यू, तुम्हें करना है। अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने ये मिस कर दिया, दिस आर सम इम्पॉर्टेंट कोट्स मेड बाय महात्मा गांधी। द अर्थ इज सफिशेंट टू सेटिस्फाई एवरी वंस नीड बट नॉट द ग्रीड। ठीक है, बहुत बहुत बोलते हैं ना हाई लेवल के वर्ड्स, सॉरी बहुत ऊँचे लेवल की सोच है ठीक है। क्या सोच है, अर्थ हमारी ज़रूरत तो पूरी कर सकता है लेकिन हमारी लालच नहीं ठीक है। इंसानों की ज़रूरत अर्थ पूरी कर लेगा, उसके लिए अर्थ सफिशेंट है, लेकिन इंसान की जो ग्रीड है लालच, उसके लिए अर्थ सफिशेंट नहीं है ठीक है। ऑल राइट, तो ये पैराग्राफ में भी हमने यही पढ़ा कि क्या ह्यूमन अपनी 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 ज़रूरत को अपने 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 सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है, ह्यूमन बीइंग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से लेने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 45 42। सो नेक्स्ट, दिस इज द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। सो जाधव मोलाय पेगिन पेग जाधव मोलाय पेग इज अ हाईली केपेबल पर्सन बॉर्न इन नोमैडिक ट्राइब ऑफ आसाम। ये बहुत हाई लेवल के एबिलिटी वाला आदमी है ठीक है, जो कहाँ पैदा हुए थे, आसाम में, आसाम के नोमैडिक ट्राइब में। नोमैडिक मतलब बैकवर्ड, ट्राइब मतलब कबीला ठीक है। बॉर्न इन 1963, कब बॉर्न हुआ थे, 1963 में। ही इज़ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स, और जब ये 16 साल की एज पे थे तब से फॉरेस्ट वर्कर की का हिसाब से काम कर रहे थे ठीक है। छोटा आदमी है लेकिन कारनामे बड़े हैं, क्या कारनामा किया है, लेट्स सी। 16 ईयर्स,
वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज। एक बार ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई जिसमें बहुत सारे सांप मर गए बाढ़ की वजह से। ठीक है। एज अ प्रिजर्वेटिव मेजर्स मोलाई प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट इन प्लांटलेट। ठीक है। बचाव के लिए, ताकि मतलब बाढ़ से अगली बार बचाव के लिए मोलाई ने क्या किया है 20 बैम्बू प्लांटलेट यानी 20 बैम्बू ट्री लगाए। ठीक है। इन 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन अ सोशल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑन 200 एकर्स ऑफ लैंड। 1979 में जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो लोकल वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या था प्रोजेक्ट? अफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। अफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगल बढ़ाओ, जंगल बनाओ। ठीक है। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगल काटो, अफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगल उगाओ, जंगल बनाओ। ठीक है। तो जंगल कैसे बनेगा? पेड़ों से। तो अफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट चालू किया था किसमें, कितनी जगह में? 200 एकर्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड, 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वो प्रोजेक्ट का मकसद था अफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगल लगाना। किसने चालू किया प्रोजेक्ट? सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। कब? 1979। मोलाय वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वेर लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट। वो जो कुछ फॉरेस्ट वर्कर थे उसमें से एक मोलाय भी था। ठीक है। मोलाय कंटिन्यू टू प्लांट द ट्री इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया लेकिन मोलाय ने पेड़ लगाना खत्म बंद नहीं किया, मतलब प्रोजेक्ट होने के बाद भी वो और पेड़ लगाता गया। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूज वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज द बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर ओवर दी 1360 एकर्स। उसका ये कंटिन्यूस हार्डवर्क, ठीक है, उसका ये जो कंटिन्यूस वर्क था उसकी वजह से, मतलब उसका ये जो हार्डवर्क था और जो पेड़ों का वो पेड़ लगा रहा था और उनकी उनका देखभाल करता था, पेड़ों को लगाकर उसकी जो देखभाल कर रहा था उसकी वजह से जो बंजर एरिया था, बैरन एरिया, बंजर एरिया, ठीक है, जो खाली था, मतलब जंगल नहीं था, ओपन लैंड था समझ लीजिए, उसमें पूरा जंगल बन गया, वो पूरा फॉरेस्ट कवर हो गया। ठीक है। कितनी जमीन? 1360 एकर, 1316 एकर जमीन तक, एकर तक फॉरेस्ट फैल गया एक आदमी से इतना बड़ा एरिया। ठीक है। नेक्स्ट। टुडे दिस जंगल इज कोकिला मुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है। आज ये जंगल कहाँ पर है? ये जंगल कोकिला मुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, किधर? आसाम में। किसका नतीजा है ये? हार्डवर्क, मोलाय के 30 साल के हार्डवर्क का नतीजा ये। ऑलराइट। ही वॉज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अनपैरेलल वर्क। जो उसने ये कारनामा किया उसके लिए उन्हें क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड। ठीक है। प्रेस्टिजियस मतलब रिस्पेक्टेबल, ठीक है, प्रेस्टिजियस मतलब बहुत इज्जत के साथ एक्सेट्रा, मतलब ये अवार्ड को प्रेस्टिजियस कहा जा रहा है। ठीक है। ये अवार्ड मोलाय को मिला, क्यों मिला? बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क जो उन्होंने 30 साल किया। ही हैज़ बीन अवार्डेड, या गवर्नमेंट, फॉर इज अनपैरेलल वर्क। अनपैरेलल मतलब जिसका कोई मतलब जिसका कोई इक्वल नहीं, मतलब बहुत हाई लेवल का वर्क किया है। नाउ इट इज़ वेल नोन एज मोलाय जंगल। और वो जंगल जो कोकिला मुख ये जो जंगल था, अब उसको क्या, वो क्या नाम से जाना जाता है? मोलाय जंगल। ठीक है। मैनी पीपल कम टूगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। जब मोलाय जंगल बना रहा था बहुत सारे लोग उसको बर्बाद करने में लगे हुए थे। ठीक है। बहुत सारे लोग उसको बसने नहीं दे रहे थे, उसको ख़राब करने के चक्कर में थे। बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश न्यू फॉरेस्ट। लेकिन एक अकेला बंदा, एक अकेला इंसान अगर डिटरमाइंड है, अगर
तय कर लिया है कि हाँ तो एक पूरा जंगल बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी, देखो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सेम टॉपिक है, वातावरण को संभालना बचाना। ठीक है, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राणी। ठीक है, देखो बायो मतलब नेचुरल, डाइवर्सिटीज मतलब विभिन्नता, डिफरेंट डिफरेंट, डाइवर्सिटीज मतलब अलग अलग, एक दूसरे से अलग होना। नेक्स्ट, मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ऑकर्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट, सबसे ज़्यादा हार्मफुल असर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का किस पे पड़ता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। हैव यू सीन सम एग्जाम्पल ऑफ दिस इन योर एरिया? क्या तुमने कुछ इसका एग्जाम्पल अपने एरिया में देखा है? हाँ मैंने देखा है, मैं पहले देखता था, जब मैं छोटा था मैं देखता था बहुत सारे स्पैरोज दिखते थे, स्पैरोज, लेकिन अभी दिखते ही नहीं है। पहले एवरी मॉर्निंग मुझे इतने सारे चिड़ियाओं की मतलब आवाज़ सुनने को मिलती थी, और भी बहुत सारे बर्ड्स ऐसे रेयर स्पीशीज़ देखने को मतलब तभी देखने को मिलते थे, अभी तो दिखते ही नहीं। ठीक है, पता नहीं कहाँ चले गए, या उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, या क्या है पता नहीं। लेट्स सी, आर लिविंग वर्ल्ड हैज़ बीन रिचली डाइवर्स। हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, यानी बहुत सारी विभिन्नता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल बर्ड्स है। इट कंसिस्ट ऑफ वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर है, पशु पक्षी है। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन। हाँ लेकिन जो हमने अपने अर्लियर जनरेशन से कुछ प्राणियों के बारे में, कुछ पक्षियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में सुना था, अभी हमें वो सुन दिखाई नहीं देता, क्यों? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब वो प्राणी पेड़, वो जो प्राणी थे, जो पशु पक्षी से जो पेड़ पौधे थे, वो कहाँ चले गए? वो विलुप्त हो गए, मतलब वो दे गॉट एक्सटिंक्ट। वाई? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन इसका जिम्मेदार है? ठीक है, कौन है? आई नो यॉल, आप मन में बोल रहे हो इंसान। ठीक है, इंसान की लालच। या बायोडायवर्सिटी इज़ द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इको सिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज। बायोडायवर्सिटी ऑकर्स एट थ्री डिफरेंट लेवल। देखो बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी में इज़ द रिचनेस ऑफ, मतलब बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बहुत सारी वराइटीज़ प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इको सिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे टाइप के इको सिस्टम हैं। ठीक है, और उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन, यानी देखो जेनेटिक वेरिएशन मतलब ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग में हर ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग से अलग दिखता है, हर इंसान दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ अलग है, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट थ्री डिफरेंट लेवल। देखो बायोडाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, डिफरेंसेस है, वो तीन अलग अलग लेवल पे होती है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटीज, जीन्स में डिफरेंस। क्या है जीन्स में डिफरेंस? ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक सेम प्रजाति के लोग, सेम प्रजाति के ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे आप गोट में देखोगे या काउ में देखोगे, ठीक है, तो देर आर, हर काउ दूसरी काउ से कुछ ना कुछ अलग है। काउ है, पूरी प्रजाति काउ की है, लेकिन काउ में भी देर आर स्पेसिफिक जेनेटिक डाइवर्सिटीज। ठीक है, स्पीशीज मतलब काउ की स्पीशीज में ही जेनेटिक डाइवर्सिटीज है। ऑलराइट, अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी का? ईच ह्यूमन बींग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, हर इंसान दूसरे इंसान से
अलग दिखता है, अलग है। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेज इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज हुज मेंबर इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब वो स्पीशीज़ वाइप आउट कैसे हो जाती है, खत्म विलुप्त कैसे हो जाती है, ख़त्म कैसे हो जाती है, अगर उनके अंदर डाइवर्सिटीज कम होते जाएगी। ठीक है, उसके ख़त्म होने की, उसके वाइपिंग मतलब साफ होने की, स्पीशीज़ के विलुप्त होने यानी साफ होने की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी डाइवर्सिटीज़, उसकी प्रजाति में जो डाइवर्सिटीज़ है वो कम होते जाएगी। ठीक है, उसकी प्रजाति में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे थे और डाइवर्सिटीज़ जो थी एक से दूसरे में जो डिफरेंसेस थे वो कम होते जाएंगे और फाइनली वैसी प्रजाति, वैसी स्पीशीज़ विलुप्त यानी वाइप हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। तो ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। वापस से मैं रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इट्स टिपिकल, तो आपको अच्छे से समझ जाए। देखो, डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म में होगा एक ही प्रजाति के, उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी मंकी की प्रजाति में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मंकीज है, स्पैरो की प्रजाति में जो डिफरेंट डिफरेंट दिखने वाले स्पैरोज है, ठीक है, उसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटीज। ऑलराइट, सेम प्रजाति में अलग अलग चीज़ें, जैसे आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, तो आप इंडिया के लोगों को देखो कैसे दिखते हैं और यूएस के लोगों को देखो कैसे हैं। ठीक है, तो उसमें एक डिफरेंस, फिर आपस में ही डिफरेंस, इंडिया में भी जो लोग हैं आप नॉर्थ के लोगों को देखो, साउथ के लोगों को देखो, आपको डिफरेंस समझेगा। नॉर्थ के बहुत ज़्यादा फेयर मिलेंगे आपको, साउथ के लोग थोड़े डार्क मिलेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये, और फिर उसमें भी डिफरेंसेस, यानी एक ही फैमिली में सपोज दो भाई है लेकिन दोनों अलग अलग दिखते हैं, तो ऐसा डिफरेंसेस है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़। ठीक है, अभी कोई भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है, कब विलुप्त होने लगती है समझ लो, कब, जब उसकी डाइवर्सिटीज कम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीशीज डाइवर्सिटीज, स्पीशीज मतलब प्रजाति में जो विभिन्नता है। इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर्स इन नेचर, नेचर में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, नेचर में बहुत सारे, इन्यूमरेबल मतलब आउट ऑफ लिमिट, आउट अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा प्रजाति के ऑर्गेनिज्म है नेचर में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं प्रजाति में विभिन्नता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ठीक है, और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सेकेंड वन ईजी था, स्पीशीज डाइवर्सिटी ईजी था, स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम में डाइवर्सिटीज। देखो, इकोसिस्टम जैसे वाटर इकोसिस्टम है, एयर इकोसिस्टम है, कुछ एनिमल्स वाटर के लिए अडेप्टेड है। वाटर इकोसिस्टम में भी दो टाइप का इकोसिस्टम है, ठीक है, एक है मरीन वाटर और एक है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी दो तीन टाइप है। फ्रेश वाटर में आपको क्या देखने को मिलेगा इकोसिस्टम में, रिवर है, फ्लोइंग रिवर है, यानी फ्लोइंग वाटर वाला इकोसिस्टम अलग होता है, और एक जगह पानी जमा है जैसे पॉन्ड का, तालाब का इकोसिस्टम अलग है। ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर में जो प्लांट रहते हैं और जो फिशेस रहती हैं वो, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है, मतलब वो उसके लिए अडेप्टेड रहती है, क्योंकि रिवर में जो रिवर के वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पॉन्ड में, लेक में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है क्योंकि स्टोर वाटर रहता है। तो ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम में जो अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी लाइफ वैसी डेवलप होती रहती है। सो मैनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन, हर रीजन में बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट है। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड देयर हैबिटेट। इकोसिस्टम कैसे बनता है, जो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर प्राणी है, पशु पक्षी है, प्लांट्स एनिमल्स है, और उनका हैबिटेट और उनका
हैबिटेट मतलब वो वहाँ पर कैसे रस बस गए हैं, उसका खान पान क्या है, ठीक है, एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट, और उनके एनवायरनमेंट में क्या क्या बदलाव आता रहता है। ईच इको सिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनिमल प्लांट माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर। हर इको सिस्टम में उसका कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक के जानवर पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ के रहेंगे और वहाँ के अबायोटिक फैक्टर। देखो फॉर एग्जाम्पल अबायोटिक फैक्टर कोल्ड कंट्रीज़ है, तो अबायोटिक फैक्टर है स्नो, कोल्ड कंट्रीज बर्फ बर्फीला पोलार रीजन है, पोलार रीजन, ठीक है, तो वहाँ पर बर्फ गिरती रहती है, मतलब स्नोफॉल होते रहता है, स्नोफॉल, ठीक है। अब स्नोफॉल अबायोटिक फैक्टर है वहाँ का, तो वहाँ के एनिमल आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स आपको देखें देखो मिलेंगे, सबके बड़े बड़े बॉडी पे, सबके बॉडी के हैज़ बड़े होंगे, बॉडी में जो हैज़ होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस उसके लिए अडेप्टेड है। वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनके लीव्स पतले और लंबे होते हैं, और पेड़ का शेप ऐसा होता है क्रिसमस ट्री की तरह, ठीक है, क्रिसमस ट्री की तरह वो वहाँ के पेड़ों का शेप होता है ऐसा। रीज़न क्या है, कि जब भी बर्फ़ गिरे तो इस पे ज़्यादा रुके नहीं, नीचे गिर जाए, ठीक है। वहाँ के पेड़ ऐसे अडेप्ट हो गए, वहाँ के प्राणी मतलब हर एक इकोसिस्टम का एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक, हर इकोसिस्टम में अलग कैरेक्टरिस्टिक के एनिमल्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और वहाँ का अलग ही अबायोटिक फैक्टर्स रहता है। इकोसिस्टम आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम गॉड मेड, ठीक है, नेचुरल नेचर का, और एक आर्टिफिशियल जो इंसानों ने बनाया, ठीक है। इकोसिस्टम दो टाइप के, देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे मैंने फिश टैंक रखा है घर में, मैंने एक फिश टैंक लाया, उसमें मैंने फिश सेट की, उसमें मैंने प्लांट सेट किए, तो वो एक इकोसिस्टम बन गया, दैट इज़ अ आर्टिफिशियल टाइप। ऐसा लोग पॉन्ड बनाते हैं घर के बाहर, ठीक है, पॉन्ड बनाते हैं और उसमें मछलियाँ पालते हैं और एक्सेट्रा, तो दैट इज़ अ इकोसिस्टम आर्टिफिशियल, और नेचुरल जो नेचर से बना हुआ है। आई होप आपको समझ रहा है। नेक्स्ट सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड मतलब पवित्र, ग्रूव्स मतलब जंगल, ठीक है, सेक्रेड मतलब पवित्र, यानी देखो बहुत सारे जंगल को ना गॉड के नाम पर उसको संभाला जाता है, ठीक है, कि ये पवित्र जंगल है और इसमें इसके पेड़ काटना पाप है एक्सेट्रा, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेक्रेड ग्रूव। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, जो जंगल बचाए जाते हैं किसके नाम पर, गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर, ठीक है, ईश्वर के नाम पर, जो गॉड के नाम पर, गॉड का नाम लेके जो जंगल को बचाया जा रहा है, एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड, और उनको पवित्र माना जा रहा है, इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव्स, इनको कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। दिस आर इन फैक्ट सेंचुरीज कंजर्व बाई सोसाइटी एंड नॉट बाई गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। असल में ये क्या है, सेंचुरीज है, सेंचुरीज मतलब, सॉरी सेंचुरीज, सॉरी रॉन्ग प्रो, इट्स सेंचुरीज, ठीक है, सेंचुरीज नॉट सेंचुरीज, सॉरी इट्स सेंचुरीज, राइट। सो एक्चुअली थोड़ा अभी मैं अब भी रिकवर हुआ हूँ फ्रॉम, तो थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप हो रही है, आई एम नॉट एबल टू रीड एंड मतलब जो भी है, थोड़ा सा टंग सेट नहीं हो रही है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, बट इसके लिए मैंने काफ़ी 2-3 दिन से वीडियोस भी नहीं डाले हैं, तो अभी अभी थोड़ा मैं फिट हुआ हूँ, रिकवर हुआ हूँ, तो मैं आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ, बट थोड़ा सा रीडिंग में इश्यू हो रहा है। सो दिस आर इनफैक्ट, ये असल में होता क्या है, सेंचुरीज होती है, सेंचुरीज कंजर्व बाय सोसाइटी, जिसको सोसाइटी बचाती है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं बनाता है इसको, सोसाइटी ने बनाया है, सोसाइटी संभालती है, सोसाइटी के लोग जो गांव के लोग होते हैं वो इसको कंजर्व करते हैं, ठीक है, सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे और प्राणियों को सुरक्षा दी जाती है, वहाँ पे पेड़ काटना, इवन लीव्स तोड़ना भी अलाउड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पेड़ या वहाँ पर किसी भी एनिमल्स का, बर्ड्स का शिकार करना, ठीक है, मना है, तो उसको कहते हैं सेंचुरीज। कॉन्स्टिट्यूशन
कौन कंजर्व करता है? सोसाइटी, नॉट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको नहीं बचाता है. एज मतलब उनके अंडर में वो उन लोगों ने उनका इतना रोल नहीं है उसमें, गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. एट हिज एट एज इट हैज़ बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन. क्योंकि ये गॉड के नाम पर कंजर्व किया जाता है तो इनको खास तरीके का प्रोटेक्शन दिया जाता है. ठीक है. दिस क्लस्टर ऑफ थिकस्ट फॉरेस्ट आर प्रेजेंट ओनली नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री. और ऐसे क्लस्टर यानि गच, घने फुल भरे हुए थिक जंगल, ठीक है, ऐसे घने जंगल सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पाए जाते हैं, हमारे पूरे इंडिया में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, मोर देन 1300 सेक्रेड ग्रूव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया. इंडिया में सॉरी 13,000, 13,000 से ज़्यादा सेक्रेड ग्रूव्स इंडिया में है. ठीक है, जो गॉड के नाम पर बचाए जा रहे हैं, ऐसे 13,000 से ज़्यादा जंगल है. ठीक है, पवित्र जंगल. वेर आर सच सेक्रेड ग्रूव्स इन महाराष्ट्र, मेक अ लिस्ट एंड विजिट विथ योर टीचर. अभी एक आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है तो लॉकडाउन के बाद आप कर सकते हो. ठीक है, पूरे महाराष्ट्र में कितने सेक्रेड ग्रुप्स हैं, अपनी टीचर के साथ विजिट करो. ठीक है. नेक्स्ट, सम सिंबल्स आर गिवन बिलो. अच्छा, यहाँ कुछ सिंबल दिए हैं, यू ऑल कैन सी ओवर हियर. सम सिंबल्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज सिंबल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सच सिंबल्स. ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हैं. तो ये सब सिंबल क्या है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाले सिंबल है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन वाले सिंबल है. ऐसे और भी सिंबल्स हैं, इनकी लिस्ट बनाने बोल रहा है. जैसे यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, तो ये सिंबल दिख रहा है कि कोई कोई तो कचरे के पेटी में कुछ पेपर डाल रहा है. ठीक है, सो दिस इज रिसाइकल. देखो, वेस्ट दो टाइप का रहता है, सेग्रीगेशन करना, ड्राई वेस्ट अलग, वेट वेस्ट अलग. तो ये उसका सिंबल है कि वेस्ट को प्रॉपर डिकम्पोज करना है. ठीक है, जो रिसाइक्लेबल है, जो रीयूजेबल है, उसको रिसाइकल, रीयूज करो, डंप मत करो, एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये एक सिंबल है. वैसा ही एक सिंबल है क्या, ग्रीन एनर्जी का. ग्रीन एनर्जी मतलब एनर्जी ऐसे तरीके से ली जाए कि पॉल्यूशन ना हो, इको फ्रेंडली. ठीक है, ये एक सिंबल है कि रिसोर्सेज बचाओ, नेचुरल रिसोर्सेज जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी जगह आप साइकिल यूज़ करो. ठीक है, देखो, अगर आप बाइक से यूज़ करके आपको यहाँ से सपोज़ कुछ एक 5 मिनट्स की दूरी पे जाना है, तो आप पैदल चले जाओ या साइकिल से जाओ, जो मतलब उतना फ्यूल बचेगा. तो दिस इज सिंबल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फिर दिस इज सिंबल फॉर वाटर प्रिजर्व, सेफ वाटर, सेव वाटर, सेव SAV. ठीक है, सेव वाटर का सिंबल है. और आगे आपको बोला है स्टिक करो यहाँ पे कुछ सिंबल. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं मेरे ख्याल से क्वेश्चन के लिस्ट में भी. या देर आर सम सिंबल्स ओवर हियर. देखो, यहाँ पे भी कुछ सिंबल्स हैं. ठीक है, दिस इज अगेन सेव वाटर, दिस इज यूजेज ऑफ सोलार एनर्जी. ठीक है, तो ऐसे कुछ सिंबल्स है, आप इसको समझो और उस पर आपको लिखना है कि ये सिंबल्स क्या जता रहे हैं, किसके बारे में, एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 7 है. अच्छा, वील कंप्लीट फर्स्ट आ चैप्टर, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. सो बाकी सब तो दिस इज नॉट देयर, कैंसल्ड है, कैंसल्ड है. या यहाँ कुछ है, देख लेते हैं. टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. अभी तक हमने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा है एंड प्रोटेक्शन. इन दिस लेसन मैनी पीपल इन द सोसाइटी आर वॉलेंट्रीली कमिंग टूगेदर. बहुत सारे लोग सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, निहत्ते आगे बढ़ रहे हैं. क्या, क्यों? ये एनवायरमेंट को कंजर्व करने के काम में लगने हैं. बहुत सारे लोग आगे बढ़कर एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश में लगे हैं. मैनी इंस्टीट्यूट एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क. और बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे. स्टेट मतलब हमारा महाराष्ट्र,
एक स्टेट है, ऐसा गुजरात एक स्टेट है, तो स्टेट लेवल, नेशनल पूरे देश, इंटरनेशनल विश्व के लेवल पर ये काम में लगे हैं कि किस काम में, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज नंबर 44, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी का, हॉटस्पॉट मतलब मेन स्पॉट, जहाँ पे बायो मतलब ऐसी जगह, ऐसे लोकेशन जहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत पाया जाता है। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 34 हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट रिपोर्ट किए गए हैं। सच एरिया हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ दी अर्थ, और पहले अर्थ का 15% था उसमें। 34 ऐसे सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट पाए गए हैं पूरे दुनिया में, ठीक है, और पहले 15% अर्थ का था। ऐसे ऐसे लोकेशंस, ऐसा एरिया हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी वाले। एट प्रेजेंट 86 ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अब उसमें 86%, जो भी 15% लैंड थी उसका 86% अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, नहीं बचा। प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर द सेंसिटिव स्पॉट, और अभी सिर्फ कितना परसेंट बचा है, पहले 15.7 था, अब 2.3% सिर्फ ऐसे एरिया बचे हैं जो बायोडायवर्सिटी सेंसिटिव स्पॉट्स है। ठीक है, इट इंक्लूड्स 150,000 प्लांट स्पीशीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। ठीक है, और उसमें कितने हैं, सिर्फ 1.5 लाख प्रजाति है पौधों की, 1.5 लाख पौधों की प्रजाति है जो पूरी दुनिया का 50% है। ठीक है, एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड आउट ऑफ 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, इंडिया के हिसाब से 135 स्पीशीज है एनिमल्स की, जिसमें से 85, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न रीजन के जंगल में। इंडिया के ईस्ट में जो जंगल है, आसाम उड़ीसा वो सब साइड पर, ईस्ट साइड पर, ठीक है, वहाँ पर 135 में से 85 वहाँ पाए जाते हैं। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, और 1500 रेयर टाइप के प्लांट्स, एंडेमिक मतलब जिनको बचाना चाहिए, जो खतरे में है, मतलब जो प्रजाति नष्ट हो गई है या ख़त्म होने आई है ऐसी, ठीक है, तो वैसे प्रजाति के पेड़ 1500 पाए जाते हैं। कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। आउट ऑफ टोटल प्लांट स्पीशीज इन दी एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। देखो, जितनी भी पेड़ के प्रजातियां हैं पूरे दुनिया में पाई जाती हैं, उसमें से 50,000 समझ लो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी उनकी प्रजाति एकदम रेयर है, रेयर, ठीक है। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन ऑफ हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, पूरे विश्व में जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में। 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री। 3 एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है, ठीक है, हेरिटेज विरासत वाली जगह देश में, हमारे देश में। द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु एंड केरला हैज़ बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्च ऑफ नेचुरल गैस। देखो, सबसे पहला स्पॉट क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो गुजरात महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है, ये सबसे ज़्यादा खतरे में है। क्यों, माइनिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज वाले ये वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट के समझ लो पीछे पड़ गए हैं, या वेस्टर्न घाट को माइनिंग के चक्कर में, लालच में, माइनिंग के लालच में और नेचुरल गैस की खोज में वेस्टर्न घाट की वाट लगा रहे हैं, ठीक है, मेरी लैंग्वेज में वेस्टर्न घाट की वो लोग वाट लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें वहाँ पर माइनिंग कर करके वेस्टर्न घाट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ऑलराइट, वेस्टर्न घाट, अभी आप लोग बोलेंगे सर गवर्नमेंट कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती, तो ये सवाल मैं इसका आंसर देने से ज़्यादा बेटर है, ये सवाल आप उस जगह पर पूछो, ठीक है। नेक्स्ट, हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। अच्छा, आई होप ये समझा आपको, वेस्टर्न घाट बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, माइनिंग के चक्कर में और नेचुरल गैस की खोज के चक्कर में,
वही इंसान की लालच है, आप समझ सकते हो, इंसान अपनी लालच के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। और मतलब उसको सिर्फ वो चाहिए, कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन, पैसा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक्स में एक सेंटेंस है, आपने सुना होगा, मैन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की ज़रूरत है, वॉन्ट्स, इंसान की लालच कभी पूरी नहीं होती। एक बाइक है तो क्या सोच रहा है, दो होगी तो और अच्छा होगा, ठीक है। एक कार है तो सोचता है, अरे यार दो तीन कार होती, मारुति 800 है तो सोचता है यार मर्सिडीज होती, और उसके लिए मेहनत करते ही जाता है, करते ही जाता है, ठीक है। एक 1 BHK है तो क्या सोच रहा है, अरे यार 2 BHK होता तो अच्छा होता, 3 BHK होता अच्छा होता, अरे यार और थोड़ा हाई फाई होता, बंगलो होता तो अच्छा होता, एक्सेट्रा। सो इसके लिए वहाँ एक सेंटेंस दिया है, क्या इकोनॉमिक्स में, मैन वॉन्ट्स आ अनलिमिटेड, इंसान की लालच पूरी होती नहीं, पेट ही नहीं भरता उसका, पेट इन द सेंस मतलब पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, और चाहिए और चाहिए। अच्छा वो सब मेरी सोच है, अगर आपको बुरी लगी हो तो फॉरगेट इट, सॉरी। नेक्स्ट, हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन अंडर ट्रीट। देखो एशिया में जो लायंस पाए जाते हैं उनका हैबिटेट, उनका उनका रहन सहन, उनका जंगल, और वाइल्ड बाइसन जो यहाँ पे वाइल्ड बाइसन पाए जाते हैं उनको ट्रीट, मतलब उनका हैबिटेट बर्बाद हो रहा है, वो विलुप्त होने के कगार पर है, एशियाटिक लायन की प्रजाति ख़त्म हो जाएगी, वाइल्ड बाइसन की प्रजाति ख़त्म हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, मनास सेंचुरी ऑफ द आसाम इज़ अंडर ट्रीट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है। डैम बनाने की वजह से और बिना रोक टोक के पानी यूज़ करने की वजह से जो मनास सेंचुरी है, ठीक है, जो आसाम के टाइगर की है, आसाम के टाइगर और राइनो वहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही, मतलब लोग डैम और पानी का मिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डैम बना रहे हैं और पानी का मिस यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मनास सेंचुरी खतरे में है, ठीक है। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर ट्रीट, यहाँ के टाइगर और राइनो अभी उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, अंडर चैलेंज। सुंदरबन, सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ रिजर्व फॉर टाइगर, सुंदरबन की सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल में है वो टाइगर के लिए रिजर्व की गई है, यानी वहाँ पर टाइगर को पकड़ना, शिकार करना, किल करना अलाउड नहीं है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चैलेंज्ड बाय डैम, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचेस डग्स फॉर सेम एक्सेट्रा। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को और वहाँ के टाइगर को, वहाँ के जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं इन सबको प्रॉब्लम फेस हो रही है, किस वजह से, डैम बिल्डअप की वजह से, वहाँ डैम बिल्डअप किए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, वहाँ जंगल काटे जा रहे हैं, एक्सेसिव फिशिंग, वहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा रही है, शिकार हो रहा है, ट्रेंचेस डग, ट्रेंचेस मतलब देखो पानी पास करने के लिए ना ऐसे आर्टिफिशियल नदी जैसा खोदा जाता है, खुदाई की जाती है, ट्रेंचेस डग मतलब डग्स मतलब खुदाई की जाती है ज़मीन में, ठीक है। अभी बॉम्बे में आप सिटी में देखते हो बार बार ट्रेंचेस डग होते हैं, रोड के साइड पे बार बार होल्स बनाए जाते हैं कुछ ना कुछ रीज़न से, तो उसको कहते हैं ट्रेंचेस डग्स फॉर सेम एक्सेट्रा, ठीक है। ट्रेंचेस मतलब जैसे रोड है तो रोड के, या रोड है सपोज़, तो रोड के दोनों साइड पे ना पानी पास करने के लिए नदी के जैसा बनाया जाता है कनाल, इज कॉल्ड ट्रेंचेस। नेक्स्ट, वीडियो लेंदी हो रहा है बट दिस इज़ द लास्ट पेज, ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। वी आर ऑन पेज नंबर 45। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटेंड स्पीशीज, क्लासिफिकेशन जो ट्रीटेंड स्पीशीज़ है, ट्रीटेंड मतलब जो ट्रीटेंड स्पीशीज़ है मतलब जो एंडेंजर स्पीशीज़ है उनका क्लासिफिकेशन, ट्रीटेंड स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है एंडेंजर स्पीशीज़ में, फर्स्ट आइदर नंबर ऑफ, पहला एंडेंजर स्पीशीज़, ठीक है, आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेशन। देखो जो एंडेंजर स्पीशीज है, फर्स्ट एंडेंजर्ड मतलब
खतरे में है, प्रजाति जो प्रजाति खतरे में, उनके बारे में आइदर नंबर ऑफ, या तो इनका, या तो ये ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होते जा रहा है, इनकी काउंटिंग कम होते जा रही है, आबादी कम होते जा रही, क्यों? क्योंकि वो मर रहे हैं, ठीक है, या तो फिर उनका हैबिटेट श्रंक हो गया है, मतलब उनका जो लिविंग एरिया था जहाँ पर वो जो जंगल थे वो कम हो गए, तो उनका हैबिटेट कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो ख़त्म होने वाले हैं और फ्यूचर तक नहीं बचेंगे, शायद फ्यूचर में ये जानवर देखने को नहीं मिलेगा अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो, ठीक है, अगर इनका कंजर्वेशन प्रोग्राम नहीं किया गया तो फ्यूचर में ऐसे प्रजाति के जानवर देखने को नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल लायन टेल्ड मंकी, लेसर फ्लोरिकन, ठीक है, लायन टेल्ड मंकी का यहाँ पर इमेज दिया है, तो ये जानवर आपको फ्यूचर में शायद देखने को न मिले। क्यों नहीं मिलेगा देखने को? क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट होता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो विलुप्त होते जा रही है, मतलब ख़त्म होते जा रही है, डिसअपियर हो रही है। क्यों डिसअपियर हो रही है? क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, ठीक है, उनका वो मरते जा रही है, या फिर उनका हैबिटेट असल में श्रंक हो गया है, श्रंक मतलब छोटा हो गया है, उनके जंगल जहाँ वो रहते थे उसको, उनकी कटाई वो कम हो गए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है अगली पीढ़ी को ये देखने को ना मिले, ठीक है। सेकेंड इज़ रेयर स्पीशीज़, एक तो ये एंडेंजर जो डेंजर में है, दूसरी है रेयर, बहुत कम पाए जाते हैं, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिडरेबली डिक्लाइन, ये ऑर्गेनिज्म वो है जो लगातार कम होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज बींग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, ठीक है, और ये स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म है वो एंडेमिक मतलब एकदम रेयर, एकदम ख़त्म होने पर आ गए हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, रेयर हो गए हैं, एंडेंजर्ड है, ठीक है, और बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे, एग्जाम्पल रेड पांडा, मस्क डियर एक्सेट्रा। थर्ड वल्नरेबल स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, ये भी बहुत कम है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं जो एकदम ही कम लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, और कम होते ही जा रहे हैं, कंटिन्यूस डिक्लाइंस इन देयर नंबर इज वरीसम रीज़न, और इनकी जो आबादी लगातार कम होते जा रही है ये चिंता का विषय है, एग्जाम्पल टाइगर लायन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इनडिटर्मिनेंट स्पीशीज, इनडिटर्मिनेंट स्पीशीज, दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू एंडेंजर्ड बट ड्यू टू देयर सम बिहेवियरल हैबिटेट लाइक शाइनेस देयर इज नो डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल जाइंट स्क्वायरल, ठीक है, देखो ये ऑर्गेनिज्म वो है जो, ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं और एकदम ख़त्म होने आए हैं, ठीक है, और मेन असल में इनका जो बिहेवियर है, मतलब ये छुप छुप के रहते हैं, इसकी वजह से इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये बचे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अभी तक पता ही नहीं हमें है या नहीं है, ऐसे इस प्रजाति, ऐसे स्पीशीज़ जो हमें पता ही नहीं है कि नेचर में अभी एट प्रेजेंट है या ख़त्म हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो शाइनेस वाला है, शाइनेस मतलब शर्मीला है, वो दिखाई नहीं देते ज़्यादातर, छुप छुप के रहते हैं, तो उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जाम्पल दिया है जाइंट स्क्वायरल जिसको शेकरू भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट स्पेशलिटी ऑफ द डे 22 मई, 22 मई को ख़ास बात क्या है? वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे है, 22 मई क्या है? वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे, सर्वे द प्लांट एंड एनिमल इन योर एरिया, 22 मई को आपको क्या करना है, अपने एरिया में जितने पेड़ और पेड़ प्राणी और पक्षी एक्सेट्रा है उनका सर्वे करो, उनको आप देखो, ढूंढो, सर्च करो, मेंटेन अ रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक, और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप रिकॉर्ड बनाओ। ऑल राइट, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ठीक है, इट्स एन ईजी चैप्टर, बहुत ईजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है, और देर आर सम आंसर्स रिलेटेड टू इट, जो चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आई होप आप पूरा आसानी से कर लोगे। थैंक यू।
देखो हो सकता है वीडियो में ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन मेरे से कुछ प्रोनाउंस में गड़बड़ हुई होगी होगी, मैं कोई एंजल तो हूँ नहीं कि मिस्टेक नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एक्सेट्रा, बट शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।